इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट या निचली अदालत में जाएं खिलाड़ी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आपकी याचिका FIR दर्ज कराने को लेकर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को खारिज किया गया है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और आगे की जो भी जांच है उसको लेकर जिस तरह से ये बात पहुंचे थे, खिलाड़ी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी देखरेख में ये जांच की जाए, उसको खारिज किया गया है। FIR दर्ज कराने तक की बात थी, उसको लेकर हाईकोर्ट जाएं। अब आगे जो भी समस्या है उसको लेकर हाईकोर्ट जाएं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को खारिज किया गया, अब जो भी आगे आपकी शिकायत है उसको लेकर आप हाईकोर्ट जाएं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई। देखिए, महिला खिलाड़ी जो पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए थे कि उन्होंने पुलिस के पास वो गए थे, FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि कोर्ट इस मामले में दखल दे और FIR दर्ज हो। और आपको पता है उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को समन किया, पुलिस का जवाब आया और उसके बाद से पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज हो गया और यही चूंकि उस याचिका में मांग की गई थी। इसके अलावा CJI ने ये भी कहा कि महिला खिलाड़ियों का जो जिन्होंने आरोप लगाया है उनकी सुरक्षा का एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि एक लड़की जो है उसमें नाबालिग है। तो कोर्ट ने तब दिल्ली पुलिस से कहा था कि नाबालिग लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, उसके अलावा भी जो बाकी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। आज दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट के सामने ये बताया गया कि जो नाबालिग महिला है उसके साथ सादी वर्दी में सुरक्षा मुहैया करा दिया गया है, उसके अलावा बाकी जो 6 महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था उनका जो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन देखने के लिए एक असेसमेंट हुआ और उसमें बताया गया कि उनको ऐसा एज पर कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, फिर भी अगर जरूरत होगी तो उनको एडिक्वेट सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। तो मतलब ये कि याचिका में जो मांग की गई थी कि FIR दर्ज हो, वो FIR दर्ज हो गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें इस मसले में सुनवाई की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि याचिकाकर्ताओं ने एक बात और कही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच की मॉनिटरिंग करे। कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया था कि कोर्ट इस मामले में मॉनिटरिंग नहीं करने जा रहा है, जांच की निगरानी नहीं करने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि रात में जो एपिसोड हुआ है वहां पर जो धक्का मुक्की हुई थी और जो चोट आई थी खिलाड़ियों को, उस मसले को भी यहां पर कोर्ट में मेंशन किया गया सुनवाई के दौरान महिला खिलाड़ियों की तरफ से। तो उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बात कही कि एक आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले वहां पर शराब पीकर गए थे, मेडिकल कराया गया, ऐसा आरोप निराधार है। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अध्याय को बंद कर दिया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों को ये कहा है, पीड़ितों को ये कहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है भविष्य में तो आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं या 226 आर्टिकल 20 में संविधान में व्यवस्था है उसके तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं करने जा रहा है, तो मतलब ये कि खिलाड़ियों के पास ही विकल्प है, वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, वो हाईकोर्ट के पास जा सकते हैं। इस बीच में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जांच ठीक ढंग से चल रही है, वरिष्ठ महिला अधिकारी की टीम इस मामले में जांच कर रही है, खिलाड़ियों का जो पीड़ित है उनका 161 का बयान दर्ज हो चुका है, 64 के बयान के लिए जल्दी ही दर्ज हो जाएगा। तो कुल मिला के पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही थी, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जांच सही दिशा में चल रही है और सुरक्षा मुहैया करा दिया गया है, नाबालिग को सुरक्षा मुहैया करा दिया गया है, FIR दर्ज हो ही चुकी है और इतना सब जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां मामला बंद कर दिया, खत्म कर दिया है और अब कोर्ट ने ये जरूर कह दिया है, उन्हें लिबर्टी दी है कि अगर कोई जरूरत होती है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं या संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।